नमस्कार, सीएमएन के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जुर्म पर वार, मुजरिम खबरदार, क्राइम रिपोर्ट की कड़ी लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ, जहां हम दिखाते हैं जुर्म की हर खबर और हर खबर से आपको कराते हैं बाखबर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर की खबर के साथ, जहाँ जिला सहकारी बैंक जबलपुर में चोरों ने करीब 80 लाख रुपये की चोरी कर बैंक में हाथ साफ कर दिया। चोरों ने बैंक परिसर के पिछले हिस्से की खिड़की को गैस कटर से काटकर वारदात को अंजाम दिया। लापरवाही, बैंक को पड़ गई भारी, 80 लाख रुपए की हुई चोरी। पुलिस की गश्त पर भी उठे सवाल, मौके पर पहुंचे एसपी टूटे कांच से जुटा रहे हैं चोरों के सुराग। शहपुरा बिटोनी के जिला सहकारी बैंक में चोरी की घटना में बैंक प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बैंक में भारी भरकम रकम होने के बावजूद सुरक्षा को लेकर कोई मुस्तैदी नहीं बरती जा रही थी, जिस कारण चोर बड़ी ही आसानी से वारदात को अंजाम देकर भागने में सफल रहे। हैरानी की बात यह है कि बैंक में इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद ना तो कोई सुरक्षा गार्ड था और ना ही कोई अलार्म। लापरवाही का आलम यह है कि बैंक के पिछले हिस्से में लगी खिड़की को भी बैंक प्रबंधन ने बंद कराने की जहमत नहीं उठाई थी। इसी खिड़की को तोड़कर चोर बड़ी आसानी से सेफ रूम तक पहुंचे और तिजोरी का लॉक तोड़कर उसमें लगे लाखों रुपए लेकर चंपत हो गए। जबकि नियमानुसार बैंक की दीवार मजबूत होनी चाहिए थी और उसके पीछे हिस्से में खिड़की दरवाजे नहीं होने चाहिए थे। बैंक में लगा सीसीटीवी कैमरा भी 1 साल से बंद पड़ा था, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। आसपास के कैमरे भी मिले बंद। चोरी की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बैंक का सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया तो पता चला कि वह 1 साल से बंद पड़ा है। पुलिस ने बैंक के आसपास स्थित अन्य प्रतिष्ठानों में लगे कैमरों को चेक किया तो वे भी लगभग बंद ही मिले। पास स्थित शराब की दुकान का एकमात्र कैमरा था जो चालू अवस्था में पाया गया। पुलिस अब इस कैमरे की फुटेज खंगालने में जुटी है। घटनास्थल पर पहुंचे डॉग स्क्वाड ने छानबीन शुरू की। यहां सामने आई लापरवाही। बैंक में लगा सीसीटीवी कैमरा 1 साल से बंद पड़ा था, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बैंक की खिड़की बहुत कमजोर थी। गाइडलाइन के मुताबिक बैंक के पीछे की तरफ खिड़कियां दरवाजे नहीं होने चाहिए, फिर भी बैंक प्रबंधन ने खिड़की बंद नहीं कराई। बैंक की सुरक्षा के लिए कोई भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं था। अलार्म की भी व्यवस्था बैंक में नहीं थी। पुलिस की गश्त पर भी उठे सवाल। मुख्य सड़क पर इतनी बड़ी चोरी ने पुलिस की मुस्तैदी को भी कटघरे में ला दिया है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में रात भर गश्त होती है, लेकिन बैंक जैसे संवेदनशील जगह पर चोरी हो जाना और रात भर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। मौके पर पहुंचे एसपी टूटे कांच से जुटा रहे हैं चोरों का सुराग। वारदात की जानकारी मिलते ही एसपी अमित सिंह अन्य आला अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने शहपुरा से निकलने वाले सभी रास्तों की नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इसके अलावा मौके पर एफएसएल, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल की टीम ने भी जांच कर चोरों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने टूटी हुई खिड़की और टूटे कांच के टुकड़ों से उंगलियों के निशान जुटाने की कोशिश की। 80,90,743 रुपये कैश था। अब चोरी होने के बाद में ये तिजोरी खोलेंगे तब पता चलेगा कि क्या बैलेंस बचा हुआ है कि पूरा चला गया। आपको कब जानकारी लगी चोरी की? 10:30 बजे। किसके द्वारा? जो 10:30 बजे जैसे ही हमारे चपरासी ने खोला तो वहाँ का ताला टूटा हुआ था। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, हेड ऑफिस को इन्फॉर्मेशन दिया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई चल रही है। सर, ये कैमरे की जानकारी लगी है आपको, कैमरा 1 साल से बंद है? हाँ, कैमरे 6 महीने। बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। कैमरा तो बंद है साहब, इसके लिए मैंने ऊपर लिखा पढ़ी की थी कि कैमरा को नया लगाया जाए, बदलवाया जाए। 4-5-6 महीने, 6 महीने से नहीं लग पाया। लापरवाही। हाँ, बैंक में जानकारी है बाकायदा। नहीं, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। कैमरा खरीदे जा रहे हैं नए, पूरे जिले में लगवाए जा रहे हैं। तो चोरी के बाद ही मतलब लगाए जाएंगे? अब चोरी के पहले लगे थे, बंद है भाई कैमरा। जी, नाम बताएं सर। यहाँ कोई चौकीदार क्यों नहीं रहता है? चौकीदार नाइट में है नहीं, दिन का चौकीदार है तो जो दिन में ड्यूटी करता है। कैसे आप रखते हैं तो चौकीदार तुरंत जरूरी? अब वो तो ऊपर लेवल के अधिकारी नियुक्त करते हैं, मेरे को नियुक्ति का पावर नहीं है। अवगत तो पूरे जिले में है, मतलब अधिकारियों को अवगत है कि हाँ, चौकीदार रहना चाहिए। नहीं, चौकीदार की ड्यूटी उन्हीं की द्वारा दी जाती है कि कौन चौकीदार को कहां पदस्थ किया जाता है। तो इतना केस होने के बाद आपने अवगत नहीं कराया बड़े अधिकारियों को कि केस है, चौकीदार की जरूरत है रात में? नहीं, अब वो तो चौकीदार की जरूरत है रात में, तो चौकीदार तो एक ही है ना हमारे यहाँ, वो तो रात दिन में काम किया उसने।
दिन में रोज कितना कैश आता है आपको? लगभग रोज कैश का कोई अंदाजा नहीं रहता, जब डिमांड होती तभी आता। ठीक है भैया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर जल्द ही वारदात का खुलासा करने की बात कह रही है। टीम सीएमएन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सीएमएन न्यूज। नमस्कार।